सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, आज हम लोग फ्रेंड्स मिलके पार्टी कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ बना के लेके जाएंगे एंड वहाँ पे हम लोग ग्रिल करेंगे या जो भी बना के खाना का फुल्ली प्रिपेयर्ड हो तो वहाँ पे खाएंगे। बट जी हम मैं रेडी हो गई हूँ, हनी बनी रेडी हो गए हैं। जीत सुबह से आबू धाबी गए हैं, उनका कोई मीटिंग है तो अभी वो निकले हैं आबू धाबी से, तो 1 घंटा तो लगेगा दुबई पहुँचने में, तो वो डायरेक्ट पहुंचेंगे। मैं यहाँ पे अपने एक फ्रेंड के घर साथ में चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे जो मैरिनेशन किया हुआ है, हनी बनी है, उनका बैग है, फिर वो ग्रिल है, चारकोल है, ये सब लेके जाना मेरे लिए टैक्सी में अकेले पॉसिबल नहीं है। तो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं वो हमारे फ्रेंड, तो उन्हीं के साथ में चली जाऊँगी। एंड जो मैंने कल गोल्ड लिया था वो मैंने पहन लिया है, तो चेन इतने लेंथ का है, मुझे इतना ही पसंद है, उससे और लंबा इतने तक मैं ओके है, और लंबा मुझे पसंद नहीं है, तो ये मैंने पहन लिया है। हैंड कंगन, ये देखिए ये कंगन कैसा लग रहा है मुझे बताना, ये पहन लिया मैंने। एंड हाँ, बहुत लोग मुझे ये टाटू के बारे में पूछते हैं, मैं हमेशा बताना सोचती हूँ कि मैं बताऊंगी, मैं भूल जाती हूँ। तो ये जीत का नाम मैंने लिखवाया है, JET, एंड दो हार्ट का वो है। तो मैंने ये दिल्ली में करवाया था, जीत जब दुबई आ गए थे, तो मैं जीत के आने के 1.5 महीने के बाद दुबई आई थी, तो उसी टाइम पे मैंने दिल्ली में करवाया था। एंड उनको बताया नहीं था, क्योंकि वो बहुत चिढ़ते हैं ये सब, मतलब नाम लिखवाना, क्योंकि थोड़ा पेनफुल होता है, इतना भी नहीं होता है, बट वो चिढ़ते हैं कि नहीं ये सब नहीं करवाना है। तो मैंने उनको, जब मैं दुबई लैंड हुई थी, उनको ये सरप्राइज दिया था। थोड़ा गुस्सा तो के, बट ऑब्वियसली खुशी भी हुई उनको। तो वो लिया है, एंड और के लिया था हाँ, रिंग रिंग ये मैंने रिंग लिया है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये इसमें व्हाइट स्टोन है, एंड आज मैंने पिंक कलर पहना है, तो मैंने इसको पिंक तरफ को कर दिया है। तो बस यही है, अभी हम लोग निकलेंगे, बस 10 मिनट में निकल रही हूँ। थोड़ा सा मतलब पन्नी वगैरह मैं डाल दूँ सारा, फिर मैं निकलती हूँ। एंड आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा बाहर लोगों के सामने ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, जबकि जहाँ पे मैं जा रही हूँ एंड जो फ्रेंड्स आ रहे हैं वो भी, मतलब वो लोग भी ब्लॉगिंग करते हैं, बट फिर भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अभी तक 1 साल 1.5 साल हो गया है आके ब्लॉगिंग करते हुए, 1 साल हो गया है, फिर भी पता नहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आया या मुझे थोड़ी शर्म आती है। सो एनीवे, जो भी है, अगर मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लिप्स लूँगी बच्चों का, बट मैं ऐसे बातचीत करके तो ऑब्वियसली नहीं करूँगी ब्लॉगिंग। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे इवनिंग को जाके, बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ क्लिप्स डालूंगी। हनी बनी के लिए थोड़ा सा घी राइस बना दिया है, इन केस वहाँ पे लेट तो ऑब्वियसली होगा लेट, तो उनको अगर भूख लगी तो उनको पहले थोड़ा सा घी राइस खिला दूंगी, तो उनके लिए थोड़ा सा बना दिया है। न्याओ बेबी काई न्याओ बेबी सबु मिनी न्याओ नाओ मिकी जे बिग न्याओ म्याओ बिग न्याओ वे यू आर अ टाइगर। तो
वाना झूली 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 वाना झूली वाना झूली। खाना पीना मतलब हम लोगों ने मेन कोर्स भी बनाया था, मेरी एक फ्रेंड ने बिरयानी, वो छुआ भी नहीं है, बट बारबेक्यू से ही पेट इतना टाइट है कि हमारा भी लाइट लगा दे भाई, हम भी फोकस में आना चाहिए। अकेली फोकस में अगर खूबसूरत दिख रही है तो जोर से बोलो जय माता दी। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भाई मतलब ऐसा क्या किया भाई, सोने का श्रृंगार किया इसके लिए अच्छी लग रही है। तो मेरा सोना मुझे कितना सूट करता है, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो तेरे को मैं एक काम करता हूँ, हर महीने दो महीने में एक बार सोना दिलाता रहता हूँ। अरे वाह, देखिए सब लोग, ये बात कैमरे पे आ गई है, ठीक है, ये बात अभी यूट्यूब में चली जाएगी, सोशल मीडिया पे चली जाएगी, तो कि हर दो महीने में ये मुझे सोना दिलाएंगे। तो नहीं दिलाऊंगा तो क्या होगा, मोदी से पकड़वा देगी। मोदी से क्यों पकड़ा, शेख मोहम्मद से। तो अभी हम सोना अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लू वाटर आइलैंड, तो हम लोग पहले भी बहुत बार गए हैं, बट हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो नहीं गए, तो वहाँ पे जा रहे हैं। हनी बनी दिन भर पूरा थके हारे, मत लगा सो गए, थोड़ा उई सो गए, हनी सो गए, बनी बस सोने वाला है, तो बस हम लोग वहाँ पे जाएंगे, देन वापस इधर आएंगे, फिर आके डिनर करने, मतलब वही जो डिनर, रुको यार, जो डिनर बनाया लंच में जो बना था वही हम लोग डिनर करेंगे, देन एंड बासी वाला फिर से खाने वाले हैं। बासी नहीं है, सुबह बनाया वो। हाँ तो फिर सुबह बनाया था ना। तो वही तो बात हुई थी ना, कौन-कौन लोग बासी खाते हैं। सभी लोग खाते हैं, आज मैंने कमेंट पढ़ो, सभी लोग खाते हैं। क्या बात है, सब लोग हमारे जैसे ही है। यस। अच्छा जी, मुझे लगा कि फिल्मों में जैसा दिखाते होंगे वैसा होता होगा। जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है रूबरू, हूबहू नी, हाँ हूबहू, सॉरी, जुबी डुबी डुबी टा जुबी डुबी टा टा, लेट्स गो। एक्चुअली ओडिशा समाज में जो उत्कल दिवस होता है, ओडिशा का जो न्यू ईयर होता है, वो 1st of April को होता है, तो यहाँ पे दुबई में सेलिब्रेट होता है, हो रहा है इस साल 10th of April को, उत्कल दिवस 1st of April को होता है और 10th of इसमें सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसके लिए मुझे कॉल आया था एंकरिंग करने के लिए वहाँ पे जो फंक्शन होगा, तो मैं तो नहीं कर सकती बच्चों के साथ में, एंड मुझे स्टेज फियर भी है बहुत ज़्यादा। जीत को ऑफर आया कि आप रैम्प शो पे वॉक कीजिए, क्योंकि आप बहुत टॉल एंड हैंडसम है, रैम्प शो फैशन शो पे हिस्सा लीजिए, बट इन्होंने भी मना कर दिया। नहीं नहीं, मना नहीं किया, मतलब वेरी प्रिविलेज कि हमें ऑफर किया, बट प्रॉब्लम ये है, मुझे पता है कि ये बच्चे जाने नहीं देंगे। हाँ। अगर हम में से कोई एक भी इनको सामने दिखेगा कि कहीं और है कुछ है, तो हल्ला मजाक करके गोदी में चढ़ जाएगा। हाँ। तो भाई और दोनों को एक गोदी में लेकर रैम शो, भाई मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। एंड दोनों को संभाल, एक बच्चे संभालना चलो ठीक है, गोदी में उठा के दोनों को संभालना, वो भी इतने क्राउड में नहीं हो सकता। प्रॉब्लम भी है ना कि जहाँ पे देखेगी अच्छा मामा वहाँ पे है तो बोलेंगे मामा ही चाहिए, फिर तो कुछ भी हो जाए। अच्छा अगर मामा ने पकड़ा हुआ है कि डैडा वहाँ पे, तो फिर तो कुछ भी हो जाए, डैडा चाहिए बस उस टाइम पे। तो इस वजह से हमने बोला कि उन्होंने बहुत बार बोला, तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट क्या करें यार, वी वर फीलिंग वेरी अपोलोजेटिक कि अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर हम लोग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इस साल, थोड़े से वो बड़े नेक्स्ट ईयर हनी बनी थोड़े से समझदार हो जाएंगे और अलाउ करेंगे। एक्चुअली वहाँ पे स्टेज में फिर भी एक घंटा दो घंटे का जो परफॉर्मेंस होता है वो तो तुम कर भी लोगे, वो एक्चुअली पूरा हर वीकेंड प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत लोग भी तो वो करेंगे ना प्रैक्टिस कोऑर्डिनेट करने के लिए. यू कैन एटलीस्ट रिक्वेस्ट देम कि मतलब इफ यू मे नॉट गो फॉर प्रैक्टिसिंग एंड देन आल्सो इफ दे अलाउ टू सिंग अ सॉन्ग मे बी मतलब नॉट गोइंग फॉर प्रैक्टिस. मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस के लिए तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होगा ना जाने का. प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूं लेकिन बिना प्रैक्टिस में जाए अगर इफ यू कैन गो एंड सिंग द सॉन्ग तो वो तो अभी बहुत टाइम है फिर. तो चलिए फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं ब्लू वाटर आइलैंड एंड फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से वहां पे पहुंच की. दीदी कहीं और एग्जिट से शायद निकले हैं तो जीत उनको लेने गए हैं. एंड एक्चुअली मैंने आज जैसा गेटअप लिया है ना जैसे गाउन पहन के बिंदी लगा के तो ये एरिया उस टाइप का नहीं है. आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपके ब्लॉग में बहुत इंडियंस देखने के मिलते हैं क्या दुबई में. बहुत इंडियंस दुबई देखो हमारे स्टाइल आइकन को इंडियन आउटफिट में दिखाई 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 अपने जूते प्लीज यार स्पोर्ट्स शूज एम्बेरस. वैसे लग तो मस्त रही है खाली एम्बेरस पता नहीं क्यों हो रही है लेकिन ये बड़ा स्टाइल आइकन बन गया है. वैसे ऐसे गाउन के नीचे स्पोर्ट्स शूज बहुत मस्त दिख रहा है. दिखाइए जरा एक बार साइड से. हाँ इधर तो देख. जय माता दी.
so nice. No, it's not a ball on me. It's a cake ball. It's a cake. Cake ball? No, it's a cake. It's not a mask. It's not a uncle mask, okay? Uncle mask? No, Didi mask. Didi mask. Didi mask. Let's put mask. No, Didi mask. Mama, is honey bunny? Honey bunny, honey bunny? Oh, don't. So, guys. बहुत लेट हो गया, 12:30 ऑलरेडी हो गए वहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग वापस गए क्योंकि जो लंच में बिरयानी बना था वो नहीं खाया था, तो डिनर किया। उसका बर्थडे था, बर्थडे पिकुन का 11 मंथ पिकुन को कंप्लीट हुआ था, उसका केक कटिंग हुआ, तो वही सब करके अभी हम लोग घर जा रहे हैं। एंड बस यही है और क्या, और एनर्जी नहीं है कुछ भी और बोलने की। जी कुछ बोलो क्या? Good night. Bye bye. Good night. See you in my next video vlog. कल भी office भी है। चलिए आप लोग भी rest कीजिए। Bye bye. Good night. Take care. आप अभी तो इंडिया में एक दिन holiday भी होगा, हमारा weekend खत्म। And आप लोग let's plan for the next weekend. Next weekend. बस 5 दिन जाना है office. चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस। हनी बनी, यू वांट टू से बाय? से लाइक, लाइक, बनू से लाइक, बदमाश देखो, डुगो से सब्सक्राइब, ओके से आई लव यू, हनी नो दैट वन इज बैड, से आई लव यू। बाप रे, अभी उनका तो अभी तो वो बहुत एक्टिव मूड में, बहुत ज्यादा एक्टिव।